by unit mile सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ यूनिट 9 की, और इंपोर्टेंट टॉपिक पहले बता दूं, 3 नंबर के लिए मुझे इंपोर्टेंट टॉपिक क्या लगते हैं इसमें, फॉरवर्ड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, रेक्टिफायर या पीएन जंक्शन फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन पीएन जंक्शन का बना। सबसे पहले बात करते हैं इसमें एक एक नंबर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहां से निकले। एक एक नंबर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर कितने तरह के हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, वहां से निकलेंगे। डायोड फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है, वहां से निकलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडक्टर, कंडक्टर की हाई कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, रेजिस्टिविटी कितनी होती है। नोट्स में मैंने लिखवाया, दोनों वैल्यू फिक्स याद करके जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंडक्टर के अंदर कितनी होती है पर मीटर क्यूब में, इंसुलेटर के अंदर कितनी होती है, सेमीकंडक्टर के अंदर कितनी होती है, ये आप याद करके जाएंगे। कंडक्टर के अंदर जो एनर्जी गैप होता है वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच, ध्यान दीजिएगा, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कोई भी गैप नहीं होता कंडक्टर के केस में, तो एनर्जी गैप लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या एग्जैक्ट 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वैलेंसी बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और खाली जगह मौजूद होती है कंडक्शन बैंड में, लेकिन कंडक्टर के केस में एक दो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है और अपनी जगह को जब छोड़ के जाता है तो एक दो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी जनरेट हो जाती है। ये जो ओवरलैपिंग के कारण बैंड बनता है इसे रेजोनेंस बैंड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, एक नन ऑफ दीज होगा, एक कहा कंडक्टर, एक कहा जाएगा कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर, एक इंसुलेटर। आपसे कहा जाएगा कि किस सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच किसके अंदर रेजोनेंस बैंड बनता है, तो आप क्या बताएंगे, कंडक्टर में रेजोनेंस बैंड बनता है, रेजोनेंस बैंड वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के ओवरलैप से बनता है, ठीक है जी, वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड के ओवरलैप से बनता है। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर के वैलेंसी बैंड के अंदर मौजूद है और जितनी एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मौजूद होगा, इस एनर्जी में से आप इस एनर्जी को घटाएंगे तो आपके पास एनर्जी गैप आएगा। इस एनर्जी गैप की वैल्यू एच न्यू के बराबर होती है। कई बार कह दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है, मान लीजिए एक्स, इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड करूं जो एक कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, और आपसे भी कहा जा सकता है कि इसके ऊपर कितनी एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करूं मैं जो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाए, और उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी। तो आप इस तरीके से सब चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब आपको मैंने ड्यूअल नेचर रेडिएशन और एटम न्यूक्लियाई में पढ़ा। इसके बाद सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है, सेमीकंडक्टर में लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है और इंसुलेटर के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। अब सेमीकंडक्टर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स की संख्या के बराबर होती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी अधिक होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बेस्ट एग्जांपल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन है। जर्मेनियम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप और सिलिकॉन के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है। ध्यान रखेंगे एक बात हमेशा, जर्मेनियम से अच्छा सिलिकॉन होता है। आपको ऐसा नजर आएगा यहां एनर्जी गैप कम है तो जर्मेनियम अच्छा है, नहीं जी, सिलिकॉन अच्छा है। सिलिकॉन के साथ क्या सीन है, सिलिकॉन डिफ्यूज कम होता है। जर्मेनियम के साथ क्या सीन है, जब 10 डिग्री सेल्सियस बदलता है टेम्परेचर तो उसका रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाता है। हर 10 यूनिट टेम्परेचर बदलने पर इसका रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल होने के कारण हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और ये जल्दी डिफ्यूज हो जाता है। आपने नोटिस भी किया होगा जितनी भी हार्ड डिस्क है, जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, सभी सिलिकॉन चिप की होती है। याद रखेंगे जी, सिलिकॉन इज बेटर देन जर्मेनियम। याद रखेंगे 14th ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन, इसके बाद क्या, कार्बन के बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम और SN, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर होता है।
होता है, जबकि सभी की वैलेंसी 4 होती है। सभी के वैलेंसी बैंड वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपसे कहा जाएगा कि 14th ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट हैं, कार्बन इंसुलेटर है, सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है और SN1 कंडक्टर है, ऐसा क्यों, जबकि सभी की वैलेंसी 4 है। आप कहेंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन के अंदर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास या इससे अधिक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जर्मेनियम के अंदर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के अंदर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और SN में लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है, इसलिए ये कंडक्टर, ये दोनों सेमीकंडक्टर और ये इंसुलेटर है। यहां तक की बात आएगी। इसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होल्स के बराबर है तो ये एक न्यूट्रल सेमीकंडक्टर होता है। अब ये कटपटी बात सुनने में मिलेगी आपको, जरा ध्यान देंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मॉडिफाई करके बनाया जाता है जब एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम या सिलिकॉन की शीट के अंदर आप 13th ग्रुप से एक एटम ऐड करते हैं पार्ट पर मिलियन में, या फिर एक 15th ग्रुप से एक एटम ऐड करते हैं आप पार्ट पर मिलियन में, तब एन टाइप एंड बी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। अगर आप 15th ग्रुप की डोपेंट, 15th ग्रुप का डोपेंट, डोपेंट इज द इंप्योरिटी दैट एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर टू मेक इट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब एक प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम की शीट में पार्ट पर मिलियन में आप 15th ग्रुप से एक एटम ऐड करेंगे तब आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए बना क्योंकि जर्मेनियम के लास्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपके जानते हैं 15th ग्रुप के एटम के अंदर लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन लावारिस बचेगा, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाएगा और इसी के कारण कंडक्टिविटी होगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का मास कम, मोबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे अधिक होती है। इसके बाद जब आप 13th ग्रुप का डोपेंट आप ऐड करेंगे पार्ट पर मिलियन में तब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट ऑर्बिट में और जर्मेनियम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वैलेंसी यहां पर 13th ग्रुप के एलिमेंट के अंदर 5 वैलेंसी बचती है, 4 जब कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को ये होल्स अपनी तरफ प्रेरित करेंगे, यहां इन होल्स के कारण इसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी जनरेट होती है, इसीलिए होल्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहा जाता है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पी टाइप इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, एक होल के मास को एक प्रोटोन के मास के बराबर माना जाता है और होल के चार्ज को प्लस ई माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर की, इसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर की और बाद में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। लेकिन वाटपटी बात यह थी, एन टाइप सेमीकंडक्टर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, आप कहेंगे नेगेटिव चार्ज है, गलत बात। एन टाइप भी न्यूट्रल है, पी टाइप भी न्यूट्रल है, इंट्रिंसिक भी न्यूट्रल है, इस चीज को इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा जहां भी नोट्स बनाएंगे आपकी। एन टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल होता है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल होता है, ऐसा क्यों, ध्यान देंगे। जब मैंने डोपेंट ऐड किया मैंने एटम, एंड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन की संख्या बराबर होती है अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो एक न्यूट्रल डोपेंट आपने एक जर्मेनियम शीट या सिलिकॉन शीट के अंदर ऐड किया है, इसीलिए आपका एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों भी न्यूट्रल होते हैं, याद रखेंगे हमेशा। अब आप कहेंगे फिर एन टाइप कैसा, एन टाइप इसलिए है क्योंकि जिसके कारण करंट चलता है उसके अंदर उस पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, समझ गए आप मेरी बात, मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए उन सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा गया है जिन्हें आप होल्स कहते हैं उनकी मेजोरिटी पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर है, इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। बात यह है इंट्रिंसिक एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर सभी न्यूट्रल होते हैं। कंडक्टिविटी सबसे अधिक किसकी होती है, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर की। इसकी एक वजह है एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी अधिक क्यों है, एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी अधिक इसलिए है क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और इलेक्ट्रॉन्स का मास कम होता है और मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है। मोबिलिटी जितनी ज्यादा होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना अधिक होती है, उतना ही करंट ज्यादा चलता है। तो याद रखेंगे होल्स का मास 1836 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। होल्स का मास ज्यादा हो गया तो याद रखेंगे एक बात, मोबिलिटी ऑफ होल्स मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगी, 1:1836। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट होल से 1836 गुना ज्यादा होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं तो इसीलिए ज्यादा करंट चलता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इसीलिए करंट कम चलता है। होल्स का मास 1836 गुना ज्यादा रखा जाता है इलेक्ट्रॉन के मास से। इसके बाद बात करते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से आप पीएन जंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, इसे कहते हैं पीएन जंक्शन फैब्रिकेशन। जब मेरे पास एक एन टाइप शीट और पी टाइप शीट होती है तो दोनों को एक साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा जाता है मॉडरेट मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग। जब आप एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ रखते हैं, मैंने एक सुटेबल टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश कर दिया है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स वोल्टेज का लगाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखेंगे एन टाइप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा और होल्स की तादाद कम होती है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स की तादाद ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती है। अब जब आप एक सुटेबल इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश करते हैं और टेम्परेचर एस्टेब्लिश करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक होल्स की तरफ माइग्रेट होते हैं और अपनी जगह छोड़ करके यहाँ पर आ जाते हैं। जब इन्होंने अपनी जगह छोड़ी तो यहाँ पर होल्स जनरेट हो जाते हैं और इस कंप्लीट एक लेयर को डिप्लीशन लेयर या पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। अब डायोड एक पोटेंशियल बैरियर को जनरेट करता है, इस नेगेटिव के कारण यहाँ एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है नेगेटिव, और इस पॉजिटिव के कारण एक पॉजिटिव जनरेट हो जाता है, इसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। पोटेंशियल बैरियर एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के जैसे काम करता है। जब आप फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, सिलिकॉन के लिए लगभग 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 वोल्ट के आसपास होता है, तो याद रखिएगा जब हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तब लगभग 0.2 वोल्टेज तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब ध्यान देंगे हम, अब इसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट करने के तरीकों को बाइसिंग कहा जाता है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, ऐसे समय पर इसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहा जाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा जरा ध्यान देंगे, इन होल्स के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन इस तरह बहुत तेजी से होगी, ये होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, फिर बाद में ये पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट कर लेगा जिसके कारण यहाँ से लगातार इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस होते रहेंगे और डिप्लीशन लेयर थिन होगी। डिप्लीशन लेयर जितनी ज्यादा होती है, सवाल ये आता है हाउ कैन वी मॉडरेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड, आप कहेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स थिकनेस, और साथ में लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ डायोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स थिकनेस। फॉरवर्ड बाइसिंग में थिकनेस कम हो जाती है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है और करंट अधिक हो जाता है, करंट मिली एम्पियर में चलता है फॉरवर्ड बाइसिंग में, और आपको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से दिखाई देती है मिली एम्पियर में। जब मैं इसे रिवर्स बाइसिंग में करूंगा तो मैं नेगेटिव पोटेंशियल यहां पॉजिटिव पोटेंशियल यहां कनेक्ट करूंगा, ऐसे समय पर ये होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आगे नेगेटिव पोटेंशियल आने के कारण आगे नेगेटिव पोटेंशियल इन्हें एक्सेप्ट करना बंद कर देगा, एक्सेप्ट कम कर देगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएंगे, यहाँ पर बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे पी टाइप की तरफ और अपनी जगह खाली छोड़ देंगे, जिसके कारण थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर ज़्यादा हो जाएगी, थिकनेस बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट माइक्रो एम्पियर में चलेगा, माइक्रो एम्पियर। ये था आपके पास पीएन जंक्शन फैब्रिकेशन एंड बाइसिंग मेथड। अब इसके बाद फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन की बात करते हैं। अच्छे से आप नोट्स लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवाया था, वहां से आप नोट्स देखेंगे, यहां तो सिर्फ मैं समझाऊंगा और सिर्फ टॉपिक की इंपोर्टेंस बताऊंगा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया। याद ध्यान देंगे, जब मैं एक डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट करता हूं तो फॉरवर्ड बाइसिंग में नोटिस करता हूं कि लगभग एक सुटेबल वोल्टेज तक कोई भी करंट नहीं चला। अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के लिए लगभग 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 वोल्ट के आसपास है।
ऐसे समय पर मैंने देखा कि वोल्टेज इतना करने पर लगभग कोई भी करंट नहीं चला, और इसके बाद करंट थोड़ा थोड़ा लीनियरली बढ़ना स्टार्ट हुआ, लेकिन 0.75 से 0.8 वोल्टेज तक करंट शार्पली बढ़ गया, और 0.8 वोल्टेज पर करंट बहुत तेजी से बढ़ गया। इसे क्या कहा गया जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड को लगाते हैं तो एक वोल्टेज तक करंट नहीं बढ़ता, ये वो वोल्टेज है जब पीएन जंक्शन हमने बनाया था तो यहाँ एक पोटेंशियल बैरियर बना था, पोटेंशियल बैरियर जो बना था उसका बैरियर हाइट 0.2 वोल्ट अगर था तो 0.2 वोल्टेज कम से कम आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर के मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स करंट पैदा करना स्टार्ट करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेकआउट करेंगे। इसके बाद वोल्टेज बढ़ने पर थोड़े थोड़े कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं और थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होता है, लेकिन यहां से यहां तक के रीजन में बहुत तेजी से कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और ये आप यहां लिखेंगे 0.8 वोल्ट। यहां पर बहुत तेजी से फॉरवर्ड बायसिंग में हीट जनरेट होती है, वी आई को क्या लिखेंगे आप, आई को लिखेंगे आप वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी, आर से आर कट गया, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर टी। इस वोल्टेज पर, इसे कहा जाता है नी वोल्टेज, नी वोल्टेज पर ऐसा क्या हुआ कि बहुत तेजी से करंट फ्लो हुआ, इस वोल्टेज पर वोल्टेज हीट में बहुत तेजी से कन्वर्ट हुआ जिसके कारण कोवलेंट बॉन्ड टूट गए और फॉरवर्ड बायसिंग में करंट बहुत तेजी से डेवलप हुआ। सेम जब हम रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक कोई भी इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के करंट पैदा नहीं करते, और उसके बाद शार्पली कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत तेजी से एक रिवर्स सैचुरेशन करंट डेवलप करते हैं, जिस वोल्टेज पर ऐसा होता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कोवलेंट बॉन्ड एकदम से टूट जाए, उस वोल्टेज को रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये आप अच्छे से करके जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद डायोड का ये सिंबल है, और डायोड का सिंबल आईआईटी में भी इस बार ये क्वेश्चन आया था जनवरी के जो आपके बधे, ध्यान रखिएगा इसे पी टाइप और इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। मान लीजिए पी टाइप सेमीकंडक्टर हायर पोटेंशियल से कनेक्ट है और एन टाइप सेमीकंडक्टर लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है, तब इसे फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाता है, लेकिन अगर यहाँ लोअर और यहाँ आपने हायर पोटेंशियल कर दिया तो इसे रिवर्स बायसिंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 या 7 वोल्ट यहाँ वोल्टेज रखा और 4 वोल्ट यहाँ रखा, दोनों पॉजिटिव है तो फिर फॉरवर्ड है, नेगेटिव है फॉरवर्ड है, रिवर्स है, तो आपको देखना है कि ज्यादा पोटेंशियल किससे कनेक्ट है, पी टाइप से तो फॉरवर्ड है। अगर यहाँ ऐसे होता ये 4 वोल्ट और ये 7 वोल्ट तो ये रिवर्स वोल्टेज होता। मान लीजिए एक तरफ आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं और यहाँ आप प्लस 5 वोल्ट रखते हैं, अर्थिंग का पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट रखा जाता है, ये आप याद रखेंगे, 0 वोल्ट कम होता है जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट है, प्लस 5 पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है। लेकिन अगर यहाँ माइनस हो गया तो माइनस 5 कम होता है, 0 ज्यादा होता है, तो ये क्या है, एक रिवर्स बायसिंग है। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से है माइनस 5 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, माइनस 4 वोल्ट ज्यादा होता है माइनस 5 वोल्ट से, तो ये एक रिवर्स बायसिंग है, याद रखेंगे हमेशा 100% याद रहेगा। इसके बाद आप करेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट करंट एंड डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट करंट एंड डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, और इसका प्रिंसिपल यह है जब इसमें लगी डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगी तब आप आउटपुट गेन करेंगे, और जब इसमें लगी डायोड रिवर्स बायसिंग में होगी तब आप आउटपुट गेन नहीं करेंगे। ध्यान देंगे इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा है, इसके बाद एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगता है, याद रखेंगे ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं प्राइमरी कॉइल्स के मुकाबले। डायोड बहुत तरह की होती हैं, लेकिन सीबीएसई और आईएससी के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सेंटर टैप डायोड है जो कि दो प्रकार की होती हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। हम यहाँ बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का। सेंटर टैप का मतलब होता है कि आप स्टेप डाउन या सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के सेंटर पर आप लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये यहां भी लगा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया एक डी है डायोड, एक लोड रेजिस्टेंस। अब ध्यान देंगे वर्किंग पर,
मैंने मान लिया अल्टरनेटिंग करंट मेरे घर पर आता है, पॉजिटिव हाफ में इस डायोड के प्राइमरी टर्मिनल्स डायोड के सॉरी इस कोइल के प्राइमरी कोइल के टर्मिनल्स को मैंने पी वन पी टू माना है और यहां एस वन एस टू सेकेंडरी कोइल के टर्मिनल्स को माना है। ध्यान देंगे यहां सभी, मैंने पहले पी वन को नेगेटिव और पी टू को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, फिर इंडक्शन के कारण म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव पैदा होगा। अब पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो गया, तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई और फॉरवर्ड बायसिंग में मुझे आउटपुट मिल गई, मैंने आउटपुट लिख दी। अब फेज चेंज होगा, जब फेज चेंज होगा तो पोलैरिटी भी चेंज होगी। अब पोलैरिटी चेंज होने पर क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ और नेगेटिव पॉजिटिव से यहां कनेक्ट हुआ, तो यहां रेजिस्टेंस बढ़ गया, डायोड की डिप्लीशन लेयर बढ़ गई और करंट माइक्रो एम्पियर में आया जिसका पता भी नहीं चला, तो इस ब्लॉक को आप खाली छोड़ देंगे, नो आउटपुट। फिर से पोलैरिटी चेंज होगी, फिर से यहां पॉजिटिव नेगेटिव इंड्यूस होगा, यहां पॉजिटिव इंड्यूस होगा नेगेटिव सॉरी यहां फिर से नेगेटिव इंड्यूस होगा, यहां पॉजिटिव पैदा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और फिर दोबारा से फॉरवर्ड बायसिंग आएगी। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर आउटपुट कम मिलती है, इसका रिपल फैक्टर 1.21 होता है। याद रखिएगा रिपल फैक्टर पूछा जा सकता है सीयूटी के एग्जाम में, सीबीएसई आईएससी के एग्जाम में या फिर आईआईटी के आपके पेपर में। तो रिपल फैक्टर क्या होता है, जो आपके पास इनपुट मिल अपॉन आउटपुट होता है, आउटपुट कम मिली तो रिपल फैक्टर बढ़ेगा। रिपल फैक्टर एक अच्छे डायोड के लिए 1 से कम होना चाहिए, लेकिन इसका 1.21 होता है। इसके बाद हम करते हैं बात फुल वेव रेक्टिफायर की। इसके अंदर दो डायोड होगी सेम सीक्वेंस में लगी हुई, रेजिस्टेंस यहाँ के बजाय यहाँ भी हो सकता है बुक में लगा हुआ, इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने मान लिया पहले पॉजिटिव हाफ में करंट आया, पॉजिटिव हाफ में इसे नेगेटिव से कनेक्ट किया, इसे पॉजिटिव से किया, तो यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस हुआ म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, यहाँ नेगेटिव है और पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया और डायोड के कारण आउटपुट मिल गई पॉजिटिव हाफ। फिर यहाँ से फेस चेंज हुआ, यहाँ पॉजिटिव हुआ, ये इधर नेगेटिव डेवलप हुआ, इस पॉजिटिव ने नेगेटिव डेवलप किया, नेगेटिव होने पर ये पी टाइप नेगेटिव से कनेक्ट होकर रिवर्स बायसिंग आ गई। लेकिन जैसे ये नेगेटिव हुआ ऐसे पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होकर के ये डायोड फॉरवर्ड में आ गई। अब इसके कारण आपको आउटपुट मिल गई है सेम एज इसमें आउटपुट ज्यादा मिलेगी और आउटपुट ज्यादा होने के कारण इसका रिपल फैक्टर 0.48 होगा, याद रखेंगे। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज पर एक इसके न्यूमेरिकल्स आप याद रखेंगे, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू टोटल इंट्रेंसिक इंप्योरिटीज या टोटल इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर्स, ठीक है जी, इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और ज्यादा ज्यादा एक चीज ये आ सकता है, क्या आपके पास एक डायोड दे दी गई, यहाँ एक रेजिस्टेंस दे दिया गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ दे दिया गया और एक रेजिस्टेंस यहाँ दे दिया गया, फिर इसके बाद आपको यहाँ एक बैटरी दे दी, 6 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम रेजिस्टेंस ये है, 2 ओम रेजिस्टेंस ये है, 2 ओम रेजिस्टेंस ये है, कहा कि नेट करंट फाइंड कीजिएगा। आप देखेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल ये है और पॉजिटिव पोटेंशियल डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है नेगेटिव, अगर पॉजिटिव से है तो क्या सिचुएशन है, ध्यान दीजिएगा। तीनों को आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, या फिर छोड़िए आपकी बिल्कुल किताब का डेरिवेशन लेकर चलते हैं, किताब का क्वेश्चन जो आपकी बुक में है, मेरे पास दो ही वो थे इस तरीके से क्वेश्चन है, वो यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ एक डायोड है, फिर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और फिर इसके बाद यहाँ एक सर्किट है, सही है, समझ गए आप मेरी बात। अब एक याद रखेंगे, मान लीजिए करंट यहां से चला, तो जो करंट चला ये 6 वोल्ट की बैटरी है, आपको कहा नेट करंट फाइंड आउट कीजिए, तो आप ध्यान से देखेंगे कि पॉजिटिव से पॉजिटिव करंट है नहीं, ये फॉरवर्ड बायसिंग में, तो आप इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया तो आप इस रेजिस्टेंस को इंक्लूड करेंगे, समझ आ गया। अगर यहां डायोड इस तरीके से होती, अब करंट यहां जाता ही ना, क्यों, दरअसल करंट इसलिए नहीं जाएगा इधर क्योंकि ये डायोड रिवर्स बायसिंग में होगी और इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, तो करंट आप सिर्फ यहां से लेंगे और ये रेजिस्टेंस अपॉन ये वोल्टेज आपके पास नेट करंट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर भाई, एक वैसा एलईडी वगैरह सिलेबस में नहीं है, लेकिन एलईडी फोटो डायोड वगैरह एक बार फोटो सेल थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा जरूर, दरअसल फोटो, ठीक है।